अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असगर दरामद विलाग के साथ इस वक्त अब्दुलक के बगीचे में मौजूद है और एक नहायत शानदार और खूबसूरत और फल से भरा पड़ा जामन यहाँ 3, 4, 5 बल्कि 8-10 जामन के दरख्त हैं और जो फल से भरे पड़े हुए, और आप देख रहे हैं कि बच्चे लोग यहाँ कितने मेहनत के साथ ये अंगूठा लेकर अंगूठे से ये जामन नीचे गिरा रहे हैं और गिरा कर खा रहे हैं। कुछ गटर की नाली के नज़र हो रहे हैं और कुछ ये खा रहे हैं। और इसके अलावा भी यहाँ खजूरों के भी बागात हैं। और ये देखें नादरीन, ये यहाँ बच्चों ने कुछ जामन लाए और ये दूसरे किस्म का जामन है और ये छोटे साइज़ का और उससे बड़े जामन से बहुत मीठा है। और ये भी इसी एक ही बगीचे में मौजूद है, अब्दुल के बगीचे में आपको ये सब कुछ मिलेंगे। नादरीन आप देख रहे हैं अभी ये जामन से हम यहाँ बेलपत्रे के दरख्त के पास आए हैं और बहुत भरा पड़ा हुआ है फल से। दिखाएं फल, ये हैं बेलपत्रे, ये पक्के हैं, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पक गए हैं। और ये भी बहुत ही काम का चीज़ है, इससे जोड़ों का जो सिस्टम है उसको ये दर्द होता है, वो दर्द को और कैल्शियम को बहाल कर देता है, दर्द को ख़त्म करता है और कैल्शियम को इंसान के क्योंकि कैल्शियम को बहाल करता है। इसमें बहुत थोड़ा सा शुगर भी डाल दें, दूध में मिलाकर बहुत खूबसूरत जूस बनता है इसका। इसके पीने के बाद हड्डियों की कमज़ोरी और जो भी बीमारियां उसके अंदर होते हैं इंसान के सारे के सारे ख़त्म होते हैं। ये बहुत ही नायाब चीज़ है और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। साइड से आए हैं और यहाँ ये बच्चे लसूड़ा, पक्के लसूड़ा अपने लिए चुन रहे हैं और उसको खाने के मुंतजर हैं। देख लें ज़रा, ये लसूड़ा आपको पक्का लसूड़ा यहाँ मिलेगा। जब भी अगर आप आएँ यहाँ मलक के बगीचे में तो आपको यहाँ पक्के लसूड़ा भी मिलेंगे। और इसको बच्चे बहुत शौक से काटे हैं। और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो आखिर उदाहरण अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।